सीट अलग बाहर निकल रही है। बताइए इमरजेंसी बताइए आपको हॉस्पिटल इतना स्पीड से क्यों जा रहे थे? जाना रहे कौन है हॉस्पिटल नाम बता दिए हॉस्पिटल गलती करोगे उसका कहानी चार आ जाएंगे आपके पास कोई पुलिस नहीं होगा। मेरे को कितने चौराहे से बोल रहे हैं कि बहुत स्पीड से गाड़ी आ रही है बिना नंबर किया तो नंबर का चालान नहीं हो पाएगा आप ये सोचते हो नंबर क्यों नहीं डलवाया आपको चालान आज करवाना ही है और उसके बाद इस नंबर पे आप देख लिया करो कि एजेंसी नहीं गई अभी एजेंसी गए हो सर वो प्लेट टूट गई थी प्लेट टूट गई थी तो जब से प्लेट टूटी तो खाना खाया आप नहीं खाए यार ये सब बातें न किया करो इतनी स्पीड से आप आए हो कि अगर कोई छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो ओवर स्पीड का चालान तो हम करेंगे कितनी बार करेंगे अगर आप ऐसी लापरवाही हमेशा करोगे तो हम कितनी बार करेंगे अभी तो जुर्माना कराऊंगा ही बेटा अभी तो जुर्माना आपका हो गई कितने साल के हो आप 18 के हो लाइसेंस बन गया आपका लर्निंग है लर्निंग का हमने बताया ना कि लर्नर लाइसेंस वाला कब चल सकता मालूम है आपको कब चल सकता बेटा बताओ आपके पीछे जो बैठा हो उसके पास वैलिड लाइसेंस हो और एल मार्क होना चाहिए ये गाड़ी में नंबर तक तो डलवाया नहीं हो एल मार्क कहाँ से करवाओगे बहुत ज्यादा लापरवाही है ये एक्शन में बिल्कुल चल रहा है और सीट तुम्हारा बाहर आ गया हम देख रहे हैं ना स्थिति कोई सॉरी हो रही नहीं कोई सॉरी नहीं हमको इससे मतलब नहीं है आपका चालान करवाएंगे। नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों मैं आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ओवर स्पीडिंग ना चलें किसी भी कंडीशन में आपकी मम्मी का फोन हो आपके पापा का फोन हो किसी का भी फोन हो हॉस्पिटल जाना हो कहीं भी कितनी भी इमरजेंसी हो आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। इस लड़के का हमने जुर्माना भी कराया आज और ये देख रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल का बहाना बता के लड़का जो है इस तरीके से कर रहे हैं तो इस तरीके से ये जो नए लड़के हैं टीनेजर्स हैं प्लीज 16 से 18 बल्कि 22 23 साल तक के जो लड़के हैं प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी आप किसी के बेटे हो किसी की बेटी हो आपको प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों आपको ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं चलना है आपकी जिंदगी के पीछे बहुत सी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं आप नादानी में ऐसी गलती कर जाओगे और इससे दुर्घटना होगी और आपके माता पिता को बहुत दुख और परिवार को बहुत ज्यादा दुखी होगी और इस देश का जो है भविष्य भी एक तरीके से खतरे में ही पड़ेगा क्योंकि आप ही लोग देश के भविष्य हो तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसी गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए कोई एक्शन बाकी नहीं बेटा कोई स्टाइल मारने वाला काम नहीं अगर आपकी जिंदगी सही सलामत है जान बची हुई है तो आप हर प्रकार की स्टाइल मार सकते हो और जब जान ही नहीं रहेगी तो क्या स्टाइल मारोगे तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ऐसा बिल्कुल ना चलें हमेशा सेफ ड्राइव करें और जिनका लाइसेंस बना है वही गाड़ी चलाएं। जय हिंद।